एसवीजी के लोगों ने एक गाइडलाइंस दिया था, यहाँ आपको खड़े होना है, यहाँ प्रधानमंत्री के दर्शन करेंगे, चिन्ह बना दिया था उन्होंने। और प्रधानमंत्री जी आए, मैं शीशे से देखा, उनको प्रणाम किया और जो हमारे पास आ गए, यहाँ साष्टांग दंडवत किया और उसके बाद वहाँ पूजा की, आरती की। साष्टांग दंडवत उन्होंने यहाँ पर किया था। जी जी। और ये अगर आप देखें कि आपके लिए भी एक मौका था कि भगवान के सामने साष्टांग दंडवत करें देश के प्रधानमंत्री। ये समझिए कि मैंने ये दृश्य देखा तो मेरे दिल में ऐसा एक उजार हुआ कि वाह प्रभु, आपकी क्या लीला है, प्रभु की बहुत महान लीला है, बहुत बड़ी कृपा है कि इस क्षण का गवाह मैं बना। कितने साल से आप भगवान की सेवा कर रहे हैं? मैं 1 मार्च 1992 से। और 92 से लेकर अब तक पहली बार ऐसा आपको लगा कि आज वो दिन आ गया जब प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये अपने आप को मैं धन्य मानता हूँ, प्रभु की महान कृपा मानता हूँ कि इस क्षण का मैं गवाह हूँ। और अब ये पूर्ण विश्वास हो गया कि अब हम उस मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। टाट और टेंट से निकलकर भगवान भव्य मंदिर में बैठेंगे। आज प्रधानमंत्री के हाव भाव देखकर आपको कैसा लगा कि देश का प्रधान सेवक, देश का प्रधानमंत्री भगवान श्री राम के आगे साष्टांग दंडवत कर रहा है, साष्टांग लेटे हुए? ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश में नहीं, सारे विश्व में चाहिए। जिस तरह का इनका कार्यकाल है, जिस तरह से इनका कार्य है, किसी भी जात धर्म से ऊपर उठ करके ये काम करते हैं। आज जो कार्यक्रम आपने देखा, दूर से देखा होगा, प्रधान आप तो यहाँ थे, फिर वहाँ पर गए होंगे, पूरे साधु संत, बड़े बड़े संत महंत बैठे थे, मोहन भागवत थे और यहाँ मुख्यमंत्री थे, यहाँ भी सारे लोग आए थे, मोहन भागवत जी और क्या नाम, रामदेव जी महाराज जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जी, वो पहले भी जी जी, वो लोग सारे लोग आए थे। और वो सब लोग भी आए होंगे जिनका इस आंदोलन में योगदान रहा होगा? वैसे भी लोग आए थे जिनके परिवार में शहीद, जिनके परिवार जो हुए हैं वो शहीद के परिवार के भी आया था, शहीद परिवार के लोग भी आए थे यहाँ पर। दर्शन सारे लोग बहुत अच्छे से किए और बहुत मोदी के दर्शन हुआ और बहुत महान कृपा है प्रभु की। जो एक पुजारी के तौर पर आपको कैसा लगा कि जीवन सफल हो गया आपका भी, आपने भी देख लिया वो सब कुछ जो देखना चाहते थे? बिल्कुल बिल्कुल, आप सत्य कह रहे हैं, जीवन हमारा एकदम, अब हम क्या बताऊँ उस शब्द को नहीं हम बोल सकते, जिस तरह से कि मेरे दिल में आया कि ये प्रभु ये क्षण हमें देख लिए, ये हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। आपके परिवार के लोगों ने क्या कहा? परिवार के लोगों ने जब फ़ोन करके बताया तो कि टीवी में आ रहे हैं, या बहुत इतना खुशी, 3 बच्चे हमारे हैं, इतना खुशी कि आप अपने आप को बहुत धन्य मानिए। हम प्रधानमंत्री से कोई आपकी बात हो पाई? नहीं, बात तो नहीं हो पाई, वो आए यहाँ साष्टांग दंडवत किए, पूजा किए, आरती किए, हम लोग केवल मंत्र दोनों साइड से बोल रहे थे, बड़े पुजारी जी थे। आपने मंत्र पढ़े, क्या मंत्र पढ़ा आपने? हमने जो उन्होंने जो चढ़ाया, फिर पुष्पांजलि भी दिया, राजेंद्र पुत्राय परात्पराय स्वाक्षाय सस्मेर सुभाननाय श्यामाय रामाय सह प्रियाय नमः सदाभिष्ट फलप्रदाय सह प्रियस्तुम हृदय बस प्रभो मुखे यशो नाम देखिए कट रहा है, गुणानुवादनम प्रत्यार्चनम ते कर्माणि सततम प्रदेहि मह्यम कृपा कृपाम्बुदे दयाभे जानकी नाथ महाराज कुमार के ममाभीष्टम कुरु स्वादे शरणागत। प्रभु श्री राम के दर्शन आज पूरी दुनिया ने किए होंगे, करोड़ों राम भक्तों ने किए होंगे, तो आपको कैसा लगा कि आज आप सब, पूरा दुनिया आपको देख रही है, पूरा भगवान श्री राम को देख रही है? आज का दिन ये बहुत बड़ा दिन है, जीवन का एक विशेष दिन हम मानते हैं जी। तो आपने देखा कि ये एक मंदिर है जो अस्थाई तौर पर बनाया गया है, भगवान श्री राम का टेंट से निकालकर, और भूमि पूजन जब हुआ है तो प्रधानमंत्री उससे पहले यहाँ पर आए थे, यहीं पर उन्होंने साष्टांग दंडवत किया था। और ये पूरा मंदिर है आप देख सकते हैं, छोटा रूप है लेकिन भव्य और दिव्य, आज आप इसको देख सकते हैं करीब से, जी मीडिया के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर आप देखें कि यहाँ पर वो स्थल है जहाँ पर सबकी आस्था अभी है, लगी रहती है, और देश के प्रधानमंत्री ने यहीं पर किया था। अब भगवान के सोने का वक्त हो रहा है तो ये पर्दा लगाया जाएगा, भगवान सोएंगे, आज विश्राम करेंगे। आज दिन भर जो कार्यक्रम चला था ये आप देख सकते हैं कि भगवान के पट बंद हो रहे हैं, श्री सीताराम जी ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। हमने कहा इस दृश्य को देखना करोड़ों राम भक्तों के लिए ऐतिहासिक क्षण था, जब देश के प्रधानमंत्री यहाँ आए, प्रधान सेवक आए, उन्होंने साष्टांग दंडवत कर प्रभु श्री राम की
पूजा की, अर्चना की, उनकी आरती की, और अब देखें ये पट बंद हो चुके हैं। श्री सीताराम जी इसमें आप देख सकते हैं, और ये वो जगह है जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, राम भक्तों की आस्था केंद्र है, और आज यहीं पर वो मौका है जब उनको ये देखने के लिए मिला कि देश के प्रधानमंत्री इसी मंदिर में रामलला के दर्शन करके, और उन्होंने आज शिला पूजन किया, शिलान्यास किया, श्री राम मंदिर के भव्य निर्माण की आधारशिला रखी। अपने सहयोगी पवन सिंह सेंगर और मनमीत गुप्ता के साथ दिलीप तिवारी, जी मीडिया, राम मंदिर।